सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम वाजपेयी। हियर वी आर विद अनदर कैप्सूल वीडियो। कैप्सूल नंबर 38 लेकर हम यहाँ पे आ गए हैं, जहाँ पर एमपी जीके और साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन जो 10 मिनट में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 का एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, तो उसके हम जो 20 से 30 नंबर का जो पार्ट है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? तो झाबुआ जिले की सीमा जो है राजस्थान एवं गुजरात को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो गंगू अभ्यारण्य पन्ना जिले में स्थित है, वहाँ पर जो है जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश का पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। निराला सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात कितना रहा है? तो एक प्रति 1000 पर ये जो है 918 जो है शिशु लिंग अनुपात रहा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में किस प्रकार के शीशे होते हैं? तो उत्तल लेंस जो है वाहनों के साइड मिरर में होते हैं। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत जो है इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव का आयोजन किया गया? तो त्रिपुरा राज्य में भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव का आयोजन किया गया। हार्ड डिस्क ड्राइव को माना जाता है? तो ये नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होता है, जिसे गैर अस्थिर जो स्टोरेज होता है उसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो हैदराबाद शहर में चार मीनार स्थित है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर को क्या कहते हैं? तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। फेमा का परिवर्तन कब हुआ? फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो 2000 में बनाया गया था। इसका परिवर्तन मतलब एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था। ठीक है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, कर्नाटक का जोग फॉल्स किस नदी के ऊपर स्थित है? तो शरावती नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी कोशिकाएं 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं? तो RBC, रेड ब्लड क्लॉट या लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं 120 दिन में पुनः नवीनीकृत हो जाता है उनका, या फिर से बन जाती हैं वो। अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें खाने में क्या शामिल करना चाहिए? तो विटामिन ए को हमें अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए शामिल करना चाहिए। विटामिन ए जिस जिस चीज़ से मिलता है वो चीज़ अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात कर लेते हैं, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज़्यादा होता है। प्रोटीन की खोज किसने की? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है प्रोटीन की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात कर लेते हैं, परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा के मापन के प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे हम अमीटर कहते हैं। अमीटर परिपथ में प्रभावित होने वाली जो धारा, एक जो सर्किट होता है ना, उसमें जो धारा बह रही होती है अगर उसको हमको मापना है तो हम उसको अमीटर से नाप सकते हैं। ठीक है, सुक्रोज के जैसे आपने देखा होगा अपना जो सबमर्सिबल होता है या ट्यूबवेल होता है उसका जो पैनल होता है उसमें एक अमीटर लगा होता है जिससे हम वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, सुक्रोज के जल अपघटन को से क्या बनता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है अगर हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? जो 310 केल्विन जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है केल्विन पैमाने पर। प्रबल अम्लों को रखने के लिए किसके कंटेनर का प्रयोग होता है? तो लेड अर्थात शीशे के कंटेनर का उपयोग करते हैं हम प्रबल अम्लों को रखने के लिए। महेश्वर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो 800 वर्षों से मूर्ति शिल्पकला का केंद्र रहा है? तो हिंगलाजगढ़ का किला है। ग्वालियर स्थित मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दौलत राव सिंधिया के द्वारा मोती महल का निर्माण करवाया गया था। भिंड के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा गोपाल सिंह भदौरिया के द्वारा भिंड के किले का निर्माण करवाया गया था। सबलगढ़ के किले की नींव किसने रखी थी? तो सबला गुर्जर द्वारा सबलगढ़ के किले की नींव रखी गई थी। मकड़ाई के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मकरंद शाह ने जो है मकड़ाई के किले का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1978 में जो है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर पचमढ़ी हमारा स्थित है। सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दतिया जिले में सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो तेली का मंदिर जो है दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर है, जो कि ग्वालियर फोर्ट में मौजूद है, और ये दक्षिण पद्धति का मंदिर है।
सास बहू का मंदिर और तेली का मंदिर ग्वालियर फोर्ट पर ही मौजूद हैं। भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो गोमटगिरी में जो है भगवान बाहुबली की प्रतिमा स्थित है। मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो मांडू जो है पर्यटन नगरी, उसको द सिटी ऑफ जॉय मतलब खुशियों की नगरी भी कहते हैं, तो वहाँ पर जो है दिल्ली दरवाज़ा स्थित है। भरहुत स्तूप का निर्माण कहाँ पर, किस शासक द्वारा कराया गया था? तो भरहुत स्तूप जो है हमारा सतना जिले में है और उसका निर्माण जो है अपना अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। दूध से दही जो बन जाता है वो किसके कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस अम्ल के कारण दूध से दही बन जाता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो कार्टिकॉल्स है, जो वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बरसात के समय में एक जो फपून टाइप की वाइट कलर की जम जाती है, वो एक कवक कहलाते हैं, तो वो कार्टिकॉल्स कहलाते हैं। साबूदाना जो अक्सर फलाहार में यूज़ होता है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस नामक वृक्ष से जो है हमें साबूदाना प्राप्त होता है। पराशब्द तरंगे मनुष्य के द्वारा क्या होता है? पराशब्द तरंगों को मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात कर लेते हैं। भूस्थिर उपग्रह का आपातकाल कितने घंटे का होता है? तो 24 घंटे का होता है। मानव नेत्र में आयरिश का क्या कार्य होता है? तो पुतली जो होती है हमारी, पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम जो है हमारी आयरिश करती है। उसके बाद बात करते हैं गोबर गैस से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो मीथेन जो है गोबर गैस से पाई जाती है, जिसका उपयोग हम घरेलू ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं। मीथेन का उपयोग आजकल कुछ छोटे मोटे व्हीकल्स में भी उपयोग होने लगा है। चाय तथा कॉफ़ी से हमें क्या प्राप्त हो, क्या मिलता है या क्या पाया जाता है? प्राप्त तो नहीं होता, क्योंकि कैफीन उतना अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, लेकिन इसमें होता है, चाय और कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लकड़ियों के जलने से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है लकड़ियों के जलने से निकलती है। और क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात कर लेते हैं, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा दिखाई देता है? तो मीथेन गैस के कारण जो है हमें वरुण ग्रह जो है हरा दिखाई देता है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो हमने कवर किए 8 मिनट से भी कम समय में। बाकी के कैप्सूल वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर इन वीडियोस की अगर आपको PDF प्राप्त करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका प्रोत्साहन हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।